निया लव ने एमसी स्टैन को एक्सपोज कर दिया। शायद आप सभी को पता होगा निया लव स्टैन के साथ उनके गाने खुजामत में थी। तो निया लव का भी कहना है उन्होंने स्टैन को उनके इनिशियल डेज में सपोर्ट करा बट स्टैन ने उन्हीं के साथ गद्दारी करी। स्टैन ने जब एमिवे को डिस करा था निया ने उस टाइम उनको बहुत सपोर्ट करा और उसके बाद एमसी स्टैन एमिवे की गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे। खैर निया लव ने एग्जैक्ट क्या कहा आप लोग देख लो। बहुत सारे मुझे ऐसे सवाल आते हैं कि मैडम आप अभी एमसी स्टैन से बात क्यों नहीं करती, अभी आप लोग तो अच्छे दोस्त नहीं रहे, क्या हुआ मतलब कि आप एक दूसरे से बात नहीं करते। आपको मैं ये एक बात बता दूं, देखिए मित्रों जिंदगी में हम जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे हमें चीजें समझने लगती है कि क्या सही और क्या गलत है। एमसी स्टैन जब अपने जीवन में अकेला था, जब पूरी मुंबई उसको, जब उसने एमवी बंटाई को डिस किया हुआ था तब पूरी मुंबई उसको मारने के लिए थी और उसको पुणे भी, पूरी मुंबई और पुणे सारे जाके लोग उसको मारने के लिए अवेलेबल थे, मारने के लिए हमेशा रेडी थे उसको। और ऐसे हालत में उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। मित्रों जब स्टैन से मैं मिली थी फर्स्ट टाइम तो उसने मुझे अपनी परेशानी बताई, लोग किस तरह उसे परेशान करते हैं, उसको मारने के लिए तुले हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो कोई अगर अपने सामने आके ऐसी चीजें बोल रहा है कि दुनिया मेरा विरोध कर रही है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता है, सब मुझे मारना चाहते हैं, सब मेरे दुश्मन आ पड़े। और मेरा स्वभाव खुद ऐसा था कि जहां जिसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा वहां मैं खड़ी रहूंगी। हम तो ऐसे ही होते हैं, हम तो मूर्ख होते हैं ना, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी को भी सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। मैंने उसको पूरा सपोर्ट किया। जब खुजामत ये वीडियो उसका आया था म्यूजिक वीडियो, तब स्टैन के जो वीडियो प्रोडक्शन है, स्टैन का जो वीडियो प्रोडक्शन था वहां पे पुणे में कोई उसको मिला था, तो उन्होंने उसको एक बात कही थी कि क्या तुम्हारा ये गाना खुजामत ये एमवी को डेस करने के लिए काफी होगा, हमें नहीं लगता आपको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इस बात से आया स्टैन को गुस्सा, उसने मुझे बताया ये बात, तो मैंने भी उसको बोल दिया वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, इतना गाना उतना कंपेटिबल है कि नहीं उसको ये करने के लिए, डेस करने के लिए। मुझे भी इस चीज़ का बुरा लगा मित्रों, ऐसे कैसे बोल सकता है तुम्हें कोई, तुम्हारा गाना उतना काबिल नहीं है करके उस चीज़ के, नहीं करना है सपोर्ट तो मत करने दो। मैंने एक दिन में मित्रों एक दिन में मुंबई से सिनेमेटोग्राफर्स बुलाए पुणे, मेरी एक आवाज पे ट्रैप टोन्स और सब लड़के शूट करने के लिए मुंबई से पुणे आए, हमने शूट किया मित्रों, शूट किया, मैंने उसको सपोर्ट भी किया। कुछ दिन बाद वही एमसी स्टैन जो मेरे सामने बोलता था कि एमिवे की पब्लिक और उसका मुझे तकलीफ हो रहा है, वही कुछ दिन बाद आता है लाइव और अचानक से बोलता है हम दोनों भी शेख शेख है, हम शेख और ये भी शेख है और ये मेरे खाला का लड़का है। अचानक से तुम्हारे खाला का लड़का हो जाता है क्योंकि वो सरनेम दोनों का शेख है, इसलिए तो बोलता है कि अभी वह मेरे खाला का लड़का और हम तो भाई भाई है, हमें तो डिस भी चलता है, हमें तो कुछ नहीं, हम दोनों क्या झगड़ा करेंगे, हम तो एक ही माँ के बेटे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो हमें आके ऐसा क्यों बोला गया मुझे कि हमें तकलीफ हो रही है निया एमवीवे के लोगों से ये वो, अभी तुम आके हमारे सामने रोगे तो हम भी तुम्हारे आंसू पोछेंगे ना और हम भी तुम्हारे लिए लड़ेंगे क्योंकि हम भी ऐसे मनोबल के थे, हम भी ऐसे स्वभाव के थे कि हमें भी ऐसा लगता था कि जिस पे अन्याय हो रहा है, जिस पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए तो लड़ना चाहिए, सही बात है कि नहीं। पर यहां तो कुछ और ही चालू है। फिर कुछ दिन बाद एमवीवे की जलाने के लिए ये एमवीवे की गर्लफ्रेंड के साथ में गाड़ी में घूम रहा था। तो बताइए मित्रों गद्दारी की भी एक सीमा होती है, उन्होंने तो सीमा का भी उल्लंघन किया है, हमारे सामने आके रोना ही नहीं था, अगर आपको बाद में यही बोलना था कि शाहरुख तो हमारे खाला। बाकी इस पे आपका क्या कहना है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज।